हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप कि आप लोग सब सही हो। इस सिचुएशन में कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो सही से घर में रहिए और हेल्दी रहिए और आपका टेक केयर कीजिए, फैमिली का भी टेक केयर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज मैं रिव्यू करूँगा ये व्हे प्रोटीन का, जो है सिक्स पैक न्यूट्रिशन का आइसोलेट व्हे प्रोटीन। और इसके साथ मैं व्हे प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा क्या है कैसे बनती है, नहीं बट कुछ चीज मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि एक जेन्युइन प्रोटीन और एक डुप्लीकेट प्रोटीन में क्या फर्क होता है, डुप्लीकेट प्रोटीन देने से आपका लाइफ खत्म हो सकता है। तो सेम चीज रिसेंटली एक वीडियो आया है, बाहर से जो प्रोटीन है जैसे कि अल्टीमेट हो गया, ऑन हो गया, बहुत सारे जो प्रोटीन ब्रांड है, वो सब प्रोटीन को इंडिया में लाते हैं और उसको उसका जो एक्चुअल माल है उसको बाहर फेंक देता है और आपको डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट है उसमें डाल देते हैं। तो जो मेजरली जो मैंने देखा कि लैब्राडा का जो प्रोटीन था वो सबसे ज्यादा बन रहा था वहाँ पे। मैं हो सके तो एक बार वीडियो में आप लोग से शेयर करने के लिए। देखिए, साफ पता चल रहा है कि असली माल निकल लिया और इसमें ये लोग क्या करेगा कि डुप्लीकेट जो माल है वो लोग डालेगा। ये देखिए लैब्राडा का माल पड़ा हुआ है और ये खाली जार है जिसके अंदर माल डाल के पैकेट करके आप लोग को देता है। तो देखिए, ये जस्ट एक छोटा सा एक गैंग को पकड़ा, तो ऐसा कितना सारा गैंग होगा पूरे इंडिया में जो ऐसे फैल चुका है। तो बी अवेयर, बचिए ये नकली प्रोटीन से, ठीक है। क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका हेल्थ का, तो अगर आपको 200 रुपए ज्यादा जा रहे हैं और जहां से आपको बिल मिल रहा है, जीएसटी मिल रहा है, तो वहां से ही खरीदिए। सस्ते के चक्कर में आप कोई भी पर्सन से ले लेते हो, कोई भी दुकान से ले लेते हो कि ये प्रोटीन ले लो, आपको मैं इतना 50% डिस्काउंट दे दूंगा, 70% डिस्काउंट दे दूंगा। आपको पता नहीं कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारा वीडियोज है यूट्यूब में जहाँ पे दिखाया गया है लेने से क्या क्या होता है। तो गाइज, अभी मैं करूँगा सिक्स पैक न्यूट्रिशन का आइसोलेट व्हे प्रोटीन का रिव्यू। और बेसिकली ये जो सीरीज है ये है क्लीन सीरीज सिक्स पैक न्यूट्रिशन का आइसोलेट का। इसका दो मैंने सैशे जो है, पैकेट जो है, मैंने परचेज कर लिया क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, कभी और कहीं पे अगर ये अमेज़न का सर्विस, ऑनलाइन सर्विस अगर बंद हो जाता है तो ये भी मिलना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बाहर तो आप नहीं जा सकते हो। तो कलकत्ता में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और आइसोलेट लेने का मेरा ये था कि अभी मैं कटिंग फेज में हूँ, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ मेरा जो वेट से बॉडी फैट जो है, इसके लिए मैं आइसोलेट व्हे प्रोटीन को चूज़ किया और प्राइस के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सस्ता है जिसके लिए मैंने सिक्स पैक को चूज़ किया। और एक चीज़ मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि ये मैं लास्ट 7-8 डेज में यूज़ कर रहा हूँ और बेसिकली कुछ चीज़ जो हम लोग जो मेजरली फॉलो करते जो है आपका मिक्सिबिलिटी, टेस्ट तो अनफ्लेवर का छोड़ ही दीजिए, कोई टेस्ट नहीं होता है, फिर भी मिक्सिबिलिटी, टेस्ट, प्राइस और एफिशिएंसी, मतलब कितना अच्छे से काम करता है और प्रोटीन का क्वांटिटी क्या है पर सर्विंग में, तो ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये क्लीन सीरीज है जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स, मतलब रॉ जो है, उनमें से सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन है, बाकी आर्टिफिशियल कुछ इसमें एडेड नहीं है। जैसे कि ये लोग मेंशन कर रहे हैं कि 30 ग्राम्स का एक सर्विंग है जिसमें आपका 27 ग्राम्स आपका प्रोटीन आता है। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 90% आपका प्रोटीन है पर सर्विंग, मैंने पर 100 ग्राम्स में। तो देखिए क्या क्या मेंशन किया कि यहाँ पे जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर इसमें नहीं है, नो प्रिजर्वेटिव, नो एडेड शुगर, नो सिंथेटिक फूड कलर, ग्लूटेन फ्री है, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है इसमें, मेल्टोडिक्स्ट्रिन जो होता है, मैं जो मास गेनर में जो यूज़ होता है मेल्टोडिक्स्ट्रिन जिसके लिए वेट गेन होता है, बहुत सारा व्हे प्रोटीन है, चीप व्हे प्रोटीन जहाँ पे व्हे प्रोटीन के जगह पे मेल्टोडिक्स्ट्रिन यूज़ होता है। ये मेल्टोडिक्स्ट्रिन के लिए आपका बॉडी थोड़ा फूलने लगता है, आपका लगता है कि आपको जो मसल मास गेन हो रहा है, बट नहीं, उसमें चीप क्वालिटी का मेल्टोडिक्स्ट्रिन यूज़ होता है जिसको आपको लगता है कि व्हे प्रोटीन उसमें अच्छा क्वालिटी का है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। बहुत सारा व्हे प्रोटीन है, मैं नाम नहीं बोलूँगा कोई भी ब्रांड का। और इसके बाद इसमें नो सब्सटेंस, मतलब नो बैंड सब्सटेंस इसमें, आर्टिफिशियली कुछ भी एडेड नहीं है, क्लीन क्लीन आपका एक रॉ व्हे प्रोटीन है। तो कहाँ से ये व्हे प्रोटीन आते हैं और कहाँ से सिक्स पैक न्यूट्रिशन सोर्स करते हैं, बेसिकली कोलैबोरेशन जो है इनोवेटी, जो यूएसए का एक कंपनी है इनोवेटी एलएलपी करके,
वो यूएसए का वे प्रोटीन कंपनी से रॉ वे प्रोटीन को मंगा के उन लोग के साथ ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब सिक्स पैक न्यूट्रिशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 30 ग्राम्स का जो सर्विंग है आपको मिल रहा है 27 ग्राम्स का प्रोटीन एनर्जी मतलब कैलोरी मिल रहा है 110 kcal। उसके बाद BCA पर 100 ग्राम्स में आपका है 22.9 ग्राम्स का टोटल BCA इसमें एडेड है पर 100 ग्राम सर्विंग्स में। तो बेसिकली अगर आप ये प्रोटीन को यूज़ करना चाहते हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारा वे प्रोटीन मैंने यूज़ किया, रॉ वे प्रोटीन मैंने कम यूज़ किया बट मैंने किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया बट किया, जैसे कि आम न्यूट्रिशन का ही किया, एज इट इज़ का किया, उसके बाद आपका मसल बेस का किया रॉ वे प्रोटीन। बट इसका जो डाइजेस्टिव है मतलब डाइजेशन जो है वो स्टोमक में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब मुझे अच्छा फील होता है, ब्लोटिंग नहीं रहता है अभी तक कोई भी, मतलब स्किन में कोई रैशेस नहीं आया है। इसका मिक्सिबिलिटी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, पूरा मतलब करके ही दिखाऊंगा लाइव। और एक चीज़ बोलूँगा, एफिशिएंसी मतलब रिकवरी रेट ये बहुत अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगा खास। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था न्यूट्राबे का आइसोलेट, तो आप उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हो क्वालिटी में तो बेसिकली। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, न्यूट्राबे में प्रोटीन परसेंटेज कम था, जहाँ पे यहाँ पे आपका प्रोटीन परसेंटेज 27 ग्राम्स है, मतलब आप सोच लीजिए कि मतलब 30 ग्राम्स में 27 ग्राम्स में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसका लैब रिपोर्ट आपको चाहिए तो यहाँ पे एक बैच नंबर दिया हुआ है नीचे, ये बैच नंबर लेके सिक्स पैक न्यूट्रिशन का जो साइट है वहाँ पे जाइए, बैच नंबर से सर्च कीजिए और आपको लैब रिपोर्ट मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज आपका प्रोटीन ये पर सर्विंग में ये दे रहा है एग्जैक्टली, तो वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक कोड है अंदर में, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये कोड है, ये इसको स्क्रैच करके आप अगर SMS करते हो तो आपको ये बोल देगा, मतलब सिक्स पैक न्यूट्रिशन से एक मैसेज आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट है कि नहीं। तो मैंने सिक्स पैक न्यूट्रिशन का कॉन्सेंट्रेट मैंने यूज़ किया था, मैंने एक्सेलरेट का जो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है यूज़ किया, बहुत अच्छा है, उसके बाद इसलिए मैंने ये प्रोटीन को मैंने परचेस किया। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि मिक्सिबिलिटी कैसा है, कोई लाम्स या फिर कोई भी सब्सटेंस कुछ भी एडेड मतलब कलर कुछ भी है कि नहीं, क्लियरली मैं दिखाऊंगा, चलिए लाइव देख। एक चीज़ आप लोग को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये जो प्रोटीन का रिव्यू मैं देता हूँ हर एक प्रोटीन का, कोई भी प्रोटीन का मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, प्रमोशन नहीं करता हूँ, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। ये मैं जो परचेस करता हूँ, मैं खुद जो पीता हूँ, मैं शेयर करता हूँ आप लोग से ताकि आप लोग को पता चले प्रोटीन का क्वालिटी। अगर खराब प्रोटीन है तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा खराब है, अगर अच्छा प्रोटीन है मैं डायरेक्ट बोलूँगा अच्छा है। कोई भी लुका छुपी कुछ नहीं है, कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है मुझे ये प्रोटीन को प्रमोट करने के लिए, मेरा काम है, मैं मुझे अच्छा लगता है आप लोग के साथ जुड़ा रहना और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। तो कभी भी इसको नेगेटिव वे पे मत लीजिए कि मुझे पैसा मिल रहा है, ये बात ध्यान में रखिए। कोई भी प्रोटीन का कोई भी वीडियो आप मेरे चैनल पे पकड़ लीजिए वे प्रोटीन का, एक भी वीडियो का कोई भी पैसा मुझे नहीं मिलता है, सिर्फ मैं सिर्फ खुद यूज़ करता हूँ, उसके बाद आप लोग को रिव्यू देता हूँ। तो गाइस ये है प्रोटीन और अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा इसका मिक्सिबिलिटी करके। तो एक डिप स्पून मैं ले लिया, आप देख पा रहे हो, पैकेट को सही से लॉक करना क्योंकि अगर मॉइस्चर आ जाता है इसके अंदर तो वही खराब हो सकता है। इसको लॉक कर दीजिए, इसके बाद आपको देना है थोड़ा सा 200 ml के आसपास पानी। मैं शेकर में इसलिए शेक कर रहा हूँ ताकि प्रोटीन जो है वो सही से पता चले कि प्रोटीन का क्वालिटी कैसा है। ज्यादा शेक नहीं करता हूँ मैं, ओनली 20 से 25 सेकंड का मैं शेक करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो गया। तो अभी देखते हैं कि कोई लाम्स वगैरह कुछ है कि नहीं आपके सामने।
तो गाइस मैं वर्कआउट करने का 15 मिनट्स के अंदर ही मेरा वे प्रोटीन जो है उसको ले लेता हूँ। टेस्ट जैसे होता है रॉ वे प्रोटीन का, बट स्टिल थोड़ा बेटर है। जैसे कि बाकी रॉ वे प्रोटीन में आपका क्या होता है कि थोड़ा मेडिसिन जैसे टेस्ट आते हैं, बट इसमें आपका जो टेस्ट है वो प्रॉपर आ रहा है। टेस्ट आपका डिसेंट है, आप पी सकते हो। मतलब बाकी जो मैं नाम नहीं बोलूँगा वे प्रोटीन का, बट बहुत वे प्रोटीन है जो आप पी नहीं सकते, इतना कड़वा होता है। कोई लाम्स कोई कुछ नहीं है, बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन है। डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं जो आपका सिक्स पैक न्यूट्रिशन का आइसोलेट को।